हेलो 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 हलो हेलो 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 क्या बन यार इससे आवाज नहीं आ रही ना आई नहीं रही ना स्पीकर से अफ मैम बाहर मनोज दिखेगा आपको दोनों में से कोई भी मनोज हो तो बुला लो हेलो हेलो हालो हालो तुडुु, तुडुुु, तुडुुु, तुडुु। ये, हालो 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 अरे माइक चालू नहीं है क्या आवाज़ क्या आ रही दे। है हेलो देखो ना हाँ हेलो 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 आपके हिसाब से इसका वॉल्यूम कम कर रखा है ऐसा थोड़ा सा बढ़ा दो थोड़ा सा बढ़ा दो हेलो 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 अलग क्यों लग रहा है जैसा नहीं आवाज़ नहीं आ रही देखो चालू है माइक पक्की बात है हा? हाँ हेलो हाँ भाई मनोज भाई हेलो हेलो हाँ ठीक ठीक है यस चलिए Nice. <laughs> yes, चलिए शुरू करेंगे क्या यस yes, कैसे आप लोग बहुत ही बढ़िया आज दूसरा दिन है आज बड़ा मजा आएगा चलो नहीं नहीं ऐसा रोज सोचने का चलिए आते हैं पे पढ़ाई लिखाई करेंगे बड़ा मजा आएगा गुड मॉर्निंग एवरीवन आई होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल सैटरडे दिस इज द फर्स्ट सैटरडे आई होप नेक्स्ट टाइम्स आपको याद भी नहीं रहेगा कि वो एक सैटरडे है जीवन का कुछ महीने ऐसे ही निकलेंगे बट दैट्स ओके एंड ऑनलाइन वाले आ रहा हूं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच दीपल, केशव तेजस वंशिका वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई होपूट चलिए हर्षदा यस हमने क्या किया था उसकी बात करते हैं आपको बहुत कुछ बताना है जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का नाम मैंने बता दिया था सी एम एस एल इसके बारे में बहुत कुछ बताना है कि के के अंदर में में जब का 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 आएगा है एमसीक्यू भी आने वाले हैं एमसीक्यू आएंगे स्टडी पैटर्न वाले स्टडी पैटर्न वाले एमसीक्यू होगा ना एक बड़ा सा पैराग्राफ और उसके ऊपर चार पांच क्वेश्चंस

लास्ट में हमने क्या पढ़ा था सबसे समझा सिक्योरिटीज का मतलब मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा है सिक्योरिटीज का मतलब सिक्योरिटीज का मतलब सर शेयर बॉन्ड डिबेंचर से जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन सबको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटीज लाइफ इज इजी फिर हम लोगों ने पढ़ा इनमें स्पेसिफिकली शेयर्स का मतलब अ फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ द कंपनी किसी भी कंपनी का अगर फ्रैक्शनल ओनरशिप एक छोटा सा हिस्सा ऑफ ओनरशिप मेरे पास है, है।, है उसमें से, थोड़े से मेरे पास है, तो मैं बन जाता हूं शेयर होल्डर शेयर ओनरशिप ऑफ दी कंपनी लॉ कौन से होते हैं ये वो लॉ होते हैं जो कि सिक्योरिटीज पे एप्लीकेबल होंगे बात है ये तो मैं नहीं पढ़ा था तो भी आप लिख लेते हैं बीकॉम लॉजिक से भी हो बीकॉ लॉजिक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ आप बच्चे तो नए नए बीकॉम में आए ना अभी तक अरे अभी तक तो आपने बीकॉम का एक एग्जाम भी नहीं दिया ना एक एग्जाम दिया है कुछ बच्चों ने दिया है ओके कुछ बच्चों का हो चुका है कुछ बच्चों का पहली बार देना तो मैं आपको बताता हूँ एक जीवन में ज्ञान की बात दे रहा हूँ मैं बीकॉम के सारे एग्जामिनेशन इससे निकल सकते हैं एक स्टूडेंट बीकॉम के एग्जाम कैसे देता है देखो एक व्यक्ति का जन्म हुआ है आपका जन्म हुआ होगा तकरीबन उन्नीस बीस साल पहले जैसे डॉक्टर ने आपको पैर पकड़ के निकाला होगा ठीक है वहां से एक बच्चे ने जो भी देखा है ऐसे आंखें खोल खोल के इधर उधर और वहां से लेकर एक व्यक्ति बीकॉम के एग्जाम हॉल में जब घुसता है तब तक उसने जो भी देखा है वो एक क्वेश्चन को देखता है और उस क्वेश्चन डज नॉट मैटर कि उसको शब्द के में पता ही नहीं पता है बट वो कुछ ना कुछ बना लेगा जैसे कि जैसे कि अगर बीकॉम का एग्जाम आपके एग्जाम में सवाल आ गया वॉट आर सिक्योरिटी लॉस लॉस विच आर एप्लीकेबल ऑन सिक्योरिटीज खत्म खत्म हो हो गई गई बात बात कुछ चीजें ऐसी होती जो बीकॉम लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं बहुत आसान है क्या बीकॉम लॉजिक मतलब जो चीज उसके नाम से ही समझ में आती है उसको हम लोग क्लास में बीकॉम लॉजिक बोलते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तो मुझे आपको ये पढ़ाने की जरूरत थी शायद के शेयर्स क्या होते हैं लेकिन मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है सिक्योरिटीज लॉ क्या होते हैं या आप अपने बेसिक लॉजिक से समझ सकते हैं वो लॉज जो कि एप्लीकेबल है ऑन सिक्योरिटीज बट सिक्योरिटीज में भी कब कब जब आप सिक्योरिटीज को इश्यू करेंगे तब भी लॉस आएंगे आज एक कंपनी पब्लिक इशू करना चाहेगी तब भी लॉ एप्लीकेबल होंगे एक कंपनी बंद होना चाहती है तब भी कुछ लॉस एप्लीकेबल होंगे सब ठीक है ना अब तैर क्या हो गया ध्यान रखो तबियत का है ना चलो पढ़ाई से जरूरी एक ही चीज है जीवन में वो है आपकी हेल्थ ठीक है कभी और बात करेंगे पढ़ाई देखा ब्यात है हम लोग ठीक है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेट्रा मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हैं तो हर चीज के ऊपर सिक्योरिटी से रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हैं तो हर चीज के ऊपर जो लॉ है वो है सिक्योरिटीज लॉ जो हमें यहाँ पर खोद खोद के पढ़ने हैं लाइफ इज इजी उसके बाद में हमने एक वर्ड देखा कैपिटल मार्केट आसान भाषा में एक ऐसी मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह एक ऐसा मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग हो सके या फिर एक ऐसा मार्केट जहां पे कंपनीज आके सिक्योरिटीज को इशू कर सके तो बाइंग सेलिंग हो सके सिक्योरिटीज को इशू कर सके पब्लिक खरीद सके ये पूरा होता है कैपिटल मार्केट तो हमने कल के लेक्चर में सिर्फ ये चार बेसिक चीजों को पढ़ा था आई थिंक एवरीवन इज वेरी कंफर्टेबल विद दीस फोर टर्म्स अब मैं 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 अफो नहीं मैं ध्यानस जा भी नहीं पाऊंगा क्लियर आप उठोगे उन्होंने जिसको बढ़ाया है तो उसको थोड़ा सा कम करोगे क्या थोड़ा सा कम करो

कंपनीज चलिए टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर ये चीज हमें समझनी होगी कि भिन्न-भिन्न ग्राउंड्स पे अलग-अलग ग्राउंड से हम कंपनीज को डिफरेंट-डिफरेंट टाइप का बाइफरकेशन कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं सबसे पहला ग्राउंड लेता हूं तो जो आपने शायद पढ़ा भी है बचपन में कंपनीज दो प्रकार की हो सकती है पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज राइट तो इस प्रकार से कंपनीज को हम बहुत सारे बेसिस पे डिवाइड कर सकता है तो उसमें से एक बेसिस हो गया पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी ठीक है अभी क्या होता है पब्लिक कंपनी कंपनी प्राइवेट वैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है कहीं ना कहीं पर एक बार फटाफट से हिसाब से जाऊं तो बहुत प्यारी सी है प्राइवेट कंपनी रिफर्स टू कंपनी प्राइवेट कंपनी रिफर्स टू हैज थ्री क्टिव क्लोजिस इन इट्स एमओए समझ लो आप अभी अगर किसी कंपनी के एमओए एमओ बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कोई भी कंपनी को अगर आज भारत में रजिस्टर होना है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो कंपनी को बनाने पड़ते हैं वो है एमओ ए एमओ एओ बनने के बाद यह कंपनी रजिस्टर होती है अगर किसी कंपनी के एमओ तीन रेस्ट्रिक्शन है क्या तीन रेस्ट्रिक्शन जैसे कि बिल्कुल सही कह रहा मैं पहला रिस्ट्रिक्शन लिख लेता हूं नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल दूसरा मैं दूसरा दूसरा ले, ले लेता हूँ रुक जाओ आराम से इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड हंड्रेड परसेंट फोकस यहां पर इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड और तीसरा और आखिरी आ जाएगा जो आप शुरू से कह रहे थे मेंबर्स cannot एक्सीड टू हंड्रेड एकदम सिंपल

एंड मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 200 तो ये तीन रेस्ट्रिक्शन हुए ना ये तीन रेस्ट्रिक्शन बना रखे हैं तो अगर किसी भी कंपनी के एओए एमओए के अंदर ये तीन हैं तो वो कंपनी बन जाएगी प्राइवेट का इसको याद रखने के लिए एक आसान सी मेमोरी टेक्निक है सिम किसी भी कंपनी के एओए एमओए के अंदर अगर सिम है तो वो प्राइवेट कंपनी किसी किसी भी भी के 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 अंदर किसी भी के AOE, के अंदर कंपनी अगर सिम है तो वो है प्राइवेट कंपनी अब इससे के जीवन में कभी भूलोगे नहीं तो रेस्ट्रिक्शन तो, तो, तो है तो वो हो जाएगी एक प्राइवेट कंपनी अब पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन से तो प्यार है मुझको क्या डेफिनेशन बनाइए बनाने वाले क्या डेफिनेशन बनाई बिल्कुल फुल ये वही व्यक्ति था जो सीएस का एग्जाम देकर बैठा था और उसको जबरदस्ती क्लास के लिए बुला लिया तो पूरे आलस के साथ डेफिनेशन इज नॉट पब्लिक कंपनी तो पूरे आलस के साथ में डेफिनेशन बनाई गई है तो ये हो गया कंपनी के दो टाइप्स पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ सकता है अभी

कैटेगरी। कंपनीज दो प्रकार की हो सकती हैं। लिस्टेड और अनलिस्टेड इन सब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज लॉ आई एम नॉट मच कंसर्न अबाउट दिस बायफ़र्केशन। मुझे इससे उतना फर्क नहीं पड़ता दिस इज गुड दिस इज दिस विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी लॉ लेकिन जब मैं सिक्योरिटीज ना पढ़ाऊंगा तब मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बैफरकेशन यह है कि कंपनी दो टाइप की हो सकती है कहीं ना कहीं उधर ये, लिस्टेड है, ये लिस्टेड है. Now, आसान तरीके से. दो प्रकार की चीजें मिली मुझे एक मिली जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है जो सेबी में रजिस्टर्ड है ऐसा कुछ स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज को पकड़ के चलना है मीन बाय लिस्टेड कंपनी आसान से देखना है आसानी से अभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग a company will be a listed company company which is listed on a recognized stock

एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है पहले आप ये बताओ तो आप बात कर सकते हैं ना विच इज लिस्टेड व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज एकदम आसान तरीके से अब इसकी बहुत प्यारी सी एक हिस्ट्री है फटाफट से पांच दस मिनट में उस पूरी हिस्ट्री को समझेंगे चलो एकदम मजे में बैठो आप में से कितने लोग पुणे से बाहर के अरे बहुत सारे लोग बहुत ही बढ़िया जब आप लोग पुणे में आए होंगे पहली बार ठीक है तब आपको एक चीज चाहिए होगी सबसे पहले रहने के लिए घर राइट

मैम yes, आपका नाम क्या सुप्रिया सुप्रजा सुपी ठीक है <laughs> मैं बार बार नहीं उसका... हाँ। अरे आपका जन्म इसीलिए हुआ है मैम इधर आओ यस चलो मैं सुपी सो so, ये आए हैं कहाँ से आए हो मैम आप कर्नाटका से आए हो ठीक है कर्नाटक कर्नाटका ठीक है पूरा तो नहीं लिखूंगा मैं ये कर्नाटका से आए पुणे फ्लैट टू स्टे इन पुणे वेरी लॉजिकल इनको एक फ्लैट चाहिए ठीक है, है? Pune में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कर रखा है जो, लोग, ओनर लोग जो फ्लैट ओनर्स, ओनर्स हैं उनको भी तो अपना घर रेंट पे देना है ये फ्लैट ओनर्स डायरेक्टली जो लोग बाहर से आ रहे हैं पोटेंशियल टेनेंट्स उनको ढूंढे कैसे प्रैक्टिकली जिनका फ्लैट आज मेरे मान लीजिए पुणे में चार फ्लैट है और मुझे उसे रेंट पे देना है तो मैं भी चाहता हूँ ना कि कोई जो पुणे से बाहर से आ रहे हैं जिनको घर चाहिए मैं उनको मेरा घर रेंट आउट कर पाऊ मैं भी ये चाहता हूं जो पुणे के बाहर से लोग आते हैं उनको भी फ्लैट चाहिए रेंट पे बट प्रॉब्लम यह है कि ये लोग इनसे मिलेंगे कैसे तो यहां पर आते हैं कुछ लोग जो खुद को बुलाते हैं ब्रोकर रियल एस्टेट एजेंट्स वो क्या कहते हैं

कमीशन या फिर आप उसको कह सकते हैं ब्रोकरेज और वो सेम सिमिलर टाइप का ब्रोकरेज इवन सेलर से भी लेते हैं। वो सेलर से भी ब्रोकरेज लेते हैं क्योंकि उनका घर रेंट आउट करवाया और आपसे ब्रोकरेज लेते हैं बिकॉज आपको घर लेके दिया ये बिजनेस मॉडल आपने अपने अपने होमटाउन सिटी हर जगह देखा ही होगा राइट

बस उनके नाम के आगे में लगा देता हूं स्टॉक ब्रोकर दे यूज टू से लुक यू गाइज़ आर हैविंग अ लॉट ऑफ शेयर्स यू वॉन्ट टू सेल द शेयर आपको बायर को ढूंढना पड़ेगा ना आप बायर को कैसे ढूंढोगे तो आप मेरे पास आओ जो सेलर्स होते थे

शेयर्स को बेचने खरीदने के लिए इन ब्रोकर्स पे डिपेंडेंट है ये नहीं होंगे तो फिर शेयर्स एक्सचेंज ही नहीं होंगे तो ये इतना बड़ा बिजनेस बन रहा है कि कल को ये इकोनॉमी कंट्रोल कर लेंगे ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये इकोनॉमी कंट्रोल कर लेंगे 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आया जिसका नाम था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 फिफ्टी सिक्स जिसको प्रेम से कहा जाता है एस सी आर ए एस सी आर गवर्नमेंट लेकर आया और गवर्नमेंट ने इन सबके बिजनेस बंद करा दिए गवर्नमेंट ने कह दिया ये सुनो ना ऐसा कोई भी व्यक्ति ये बिजनेस चला नहीं सकता है शेयर्स को एक्सचेंज कराने का बिजनेस चलाएंगे सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस और ये व्यक्ति जो है, उनको चलाने नहीं दिया जाएगा यह बिजनेस सिर्फ गवर्नमेंट की निगरानी में चलेगा अंडर एस सी आर एन फिफ्टी सिक्स तो तब जितने भी लोग ऐसे ब्रोकर का बिजनेस करते थे उन सबको इस एक्ट में आना पड़ा और खुद को बनाना पड़ा

तो कुछ लोगों के स्टार्ट किए बिज़नेसेस थे उनको 1950's में पूरा चेंज करके गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया गया जो आज की तारीख में इतने पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस बने हैं Those are stock exchanges. अब अगर यहां पर आते हैं हम वट इज एक्सचेंज अब अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो स्टॉक एक्सचेंजेस नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म फॉर वापस बीकॉम के लॉजिक से आओ स्टॉक एक्सचेंज एक स्टॉक का मतलब क्या होता है स्टॉक yes, का मतलब भी शेयर ही होता है शेयर का ही दूसरा नाम है स्टॉक अब हम बीकॉम के लॉजिक से या फिर नॉर्मल नाम पढ़ के भी समझे स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या हो गया अ फॉर एक्सचेंज ऑफ शेयर्स इजी एक प्लेटफॉर्म बना जहां पे शेयर्स एक्सचेंज कर सकते हैं फिर धीरे 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 उन्होंने इसको मॉडिफाई किया और यहां पे डिबेंचर्स वगैरह सबको एक्सचेंज चालू कर दिया तो शेयर्स और ब्रैकेट में अब मैं लिख देता हूं जब आया था नया नया तब इसको ही बोला था पे शेयर्स के एक्सचेंज एज इट से नाम खुद ही चिख मैं क्या हूं? मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म हूँ जहां पर आप एक्सचेंज कर सकते हो स्टॉक को एक्सचेंज कर सकते हो मतलब मेरे पास आज रिलायंस के शेयर है मुझे बेचने हैं तो मैं स्टॉक एक्सचेंज को बेच सकता हूं स्टॉक एक्सचेंज है ना मैं मेरे शेयर्स को बेच पाऊंगा और बदले मुझे पैसे मिल जाएंगे किसी को शेयर खरीदना है तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाएगा वो शेयर्स खरीद पाएगा और वो पेमेंट कर देगा सेल तो कर सकते हैं अरे आपने सुना होगा ना अपने आसपास कि ये व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करता है मतलब वो क्या करता है वो स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स को खरीदता है और बेचता है इट इज अल्लेटफॉर्म आर वी गेटिंग अब 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 यहाँ पे वापस आते हैं कंपनीज के दो टाइप हो सकते हैं लिस्टेड एंड अनलिस्टेड लिस्टेड कंपनी का मतलब हो गया एक ऐसी कंपनी जो उन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है चल इस वर्ड पे भी थोड़ा सा और जाते हैं विच इज लिस्टेड का मतलब क्या चल मुझे बताओ गुंडो आप सबको ये पता है अमेजन हाँ हाँ अमेजन तो पता ही होगा ना फ्लिपकार्ट हंड्रेड पता है जोमेटो अरे जोमेटो तो सबको ही पता होगा चलो टो के एग्जाम्पल को लेकर जोमैटो इज अ प्लेस इज अ प्लेटफॉर्म वेर इन रेस्टोरेंट एंड यूजर्स कैन इंटरैक्ट यूजर कैन ऑर्डर फूड फ्रॉम एनी रेस्टोरेंट एंड जोमैटो विल डिलीवर दैट फूड टू यू सही है सब लोग मेरे साथ में अमेजोन फ्लिपकार्ट इट्स अ प्लेटफॉर्म वेर सेलर्स रजिस्टर दमसेल्फ एंड एनी यूजर न बाई एनी प्रोडक्ट फ्रॉम दोज प्लेटफॉर्म सही है सो इफ देर इज एनी रेस्टोर फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पुणे में कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट कोई भी एक रैंडम नाम अरे। कैसी कैसी बातें करते फॉर एग्जाम्पल सुकानता सुकानता इज अ ग्रेट रेस्टोर पुणे का कैसी कैसी बातें करते हो आप लोग सुबह सुबह सुकानता आ जाओ इधर यार मत करो रुको यार आप लोग सुबह सुबह मुझे पढ़ाने में ध्यान देना तो सुकानता अब अब रुको 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 मान लीजिए आज सुकांता एक रेस्टोरेंट है सुकांता को लगता है कि यार जोमेटो पे बहुत सारी पब्लिक आती है तो मुझे भी जोमेटो पे डैश हो जाना चाहिए फिल इन लिस्ट हो जाना चाहिए एनी गुड रेस्टोरेंट वुड वांट टू बी लिस्टेड ऑन जोमेटो सो दैट कंज्यूमर्स कैन ऑर्डर फूड राइट टुडे आई एम अ बुक ऑथर फॉर एग्जाम्पल

So, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी से डिसाइड करती है कि नहीं यार हम चाहते हैं कि हमारे शेयर्स भी पब्लिक खरीद पाए बेच पाए, कंफर्टेबली ट्रेड कर पाए हमारे इट तो तो इज हम वेरी डिफिकल्ट इतना कठिन है आज एक कंपनी के लिए स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट होना मतलब कंपनी का सपना होता है कि हम लिस्ट हो जाए इतना बड़ा डील है तो बट जो भी कंपनीज उसमें सक्सेसफुल हुई है उन कंपनीज को हम बोलते हैं

यहां पे मिथ ब्रेक करते हैं थोड़े एक दो क्या मिथ हो सकते हैं बता दो तो? सबको मिथ का मतलब पता है मिथ का मतलब क्या होता है कोई ऐसी चीज जो हमें तो लगता है सच है बट वो एक्चुअली सच नहीं होती तो मिथ थोड़े से ब्रेक करते हैं क्या मिथ हो सकता है एक मिथ हो सकता है आपके दिमाग में दैट ऑल पब्लिक कंपनीज आर Listed and all private companies are unlisted. तो ये ये एक मिथ हो सकता है। सो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस फॉल्स भारत में बहुत सारी पब्लिक कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड नहीं है तो ऐसा कोई रूल मत बनाना अपने दिमाग में कि सर आपने पढ़ाया था कंपनी दो टाइप की हो सकती है पब्लिक एंड प्राइवेट फिर आपने पढ़ाया कंपनी दो टाइप की हो सकती है लिस्टेड और अनलिस्टेड मतलब सारी पब्लिक कंपनीज लिस्टेड होती होंगी सारी प्राइवेट कंपनीज अनलिस्टेड होती होंगी ऐसा नहीं होता है. बहुत सारी पब्लिक कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड नहीं होती हैं और कुछ रेयर प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो कि लिस्टेड होती हैं तो so ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस फॉल्स है तो इसको दिमाग में लेके चलना नहीं है एक्सप्लेनेशन देर आर स पब्लिक कंपनीज विच आर अनिस्टेड एंड देर आर ऑल्सो अ फ्यू प्राइवेट कंपनीज

जब आप शेयर्स खरीद ही नहीं पाएंगे बेच ही नहीं पाएंगे तो उसको लिस्ट करने क्या फायदा एग्जाम्पल 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 देर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो कि आप फ्रीली खरीद ही नहीं सकते उसके लिए आपके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो तो उन प्रोडक्ट्स को अमेजन पे लिस्ट करके फायदा क्या है मैंने अमेजोन पे लिस्ट कर दिया लेकिन आप लोग खरीदने हो गए बाय नहीं कर पाओगे क्योंकि बाय करने के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी है तो फिर ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग का कोई सेंस बनता है क्या नहीं तो इस कारण से प्राइवेट कंपनीज को लिस्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं है लेकिन भारत में एक ही टाइप का केस है जब प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो जाती है कि प्राइवेट कंपनी अपने डिबेंचर्स को, को, को लिस्ट कर देती है प्राइवेट कंपनी इक्विटी शेयर्स को नहीं और अपने डिबेंचर्स को लिस्ट कर देती है एंड उस केस में उस कारण से कुछ प्राइवेट कंपनी है जो भारत में लिस्टेड है वापस में पीछे आता हूं एक स्टेप ये सब आपके लेवल का ही नहीं है ये एग्जीक्यूटिव में भी नहीं है ये कहीं प्रोफेशनल में जाके आप पढ़ेंगे ये सिर्फ एक बात निकली थी तो क्लियर कर दिया कि स्टॉक एक्सचेंज पे कभी कभी आपको प्राइवेट कंपनीज भी दिख सकती है तो तब घबराना नहीं है

बस दो ही मिथ है एक और मिथ है दैट प्राइवेट कंपनीज मींस स्मॉल कंपनी हमें लगता है कि सर पब्लिक कंपनी मतलब बड़ा कंपनी प्राइवेट कंपनी मतलब छोटा कंपनी लिस्टेड कंपनी मतलब बहुत बड़ा कंपनी अनलिस्टेड कंपनी मतलब छोटा कंपनी ऐसा होता नहीं एक एग्जांपल लेता हूं

कंपनी के प्रमोटर का चॉइस होता है कि उसको कंपनी को प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है आसान भाषा में ज्यादा पब्लिक प्राइवेट में नहीं जाऊंगा आप में पढ़ेंगे लेकिन आसान भाषा में एक व्यक्ति जिसको पब्लिक से पैसा लेना है वो बनाएगा एक पब्लिक कंपनी जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास खुद के पास पैसा है रवि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो लोग चला रहे हैं उनको लगता है हमारे पास बहुत पैसा है हमें पब्लिक से पैसा लेने की जरूरत ही नहीं है सो दे डिसाइड कि हमें पब्लिक कंपनी फॉर्म नहीं करनी है

प्राइवेट कंपनी भी बड़ी हो सकती है बस वो पब्लिक का पैसा नहीं ले बट खैर इतना नहीं बस ये मिथ था तुझे ब्रेक करना था और यहां पे ले लेता हूं मैं एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल रवि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ

And it is a private company. तो बस दिमाग में प्राइवेट कंपनी मतलब अपनी बात को पकड़ा जाएगा बट एक लेमैन बोल सकता है समझ लो एक प्राइवेट कंपनी हाँ, मतलब छोटी कंपनी लेकिन लीगली स्पीकिंग ऐसा कुछ नहीं होता है प्राइवेट कंपनी के अंदर भी आपका टर्न ओवर हजारों करोड़ का हो

ठीक है सर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये भी हमने समझा स्टॉक एक्सचेंज सर एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके शेयर्स लिस्ट होते हैं जहां पे आपके शेयर्स एक्सचेंज किए जा सकते हैं जवाब मत देना यस मन में मन में सब लोग मन में हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर इन इंडिया भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं मन में मन में मन में मन में मन में एकदम आराम से तो बहुत लोगों के मन में से आवाज आ रही है कुछ लोगों की तेज भी आ गई टू राइट व्हिच इज रॉन्ग व्हिच इज रॉन्ग भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस अगर उसको हम देखने जाते हैं लिसन ये गाने नहीं सुनने हमको तो? इधर आ जाओ गूगल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इन इंडिया रखना भूल गए इन इंडिया in चलो देखो लिस्ट दिख रही है लंडन वंडन नहीं देखते हम लोग यस yes, यहां पे देखते हैं कि भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? चलिए पहला बी दिख रहा है ये तो पॉपुलर वाला है ज्यादातर लोगों ने नाम सुना ही होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एड्रेस वगैरह दिख रहा है दलाल स्ट्रीट मुंबई परमानेंट है सेगमेंट वगैरह आपको बहुत लेट समझ में आएगा अभी नहीं समझ में आएगा उसके बाद में स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज नाइस सो हैज इट्स ओन वंडरफुल नेक्स्ट मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज दिख रहा है उसके बाद में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज दिख रहा है फिर नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव दिख रहा है फिर इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज दिख रहा है और लास्ट में वापस एक पॉपुलर वाला दिख रहा है हमको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ठीक है इसके बाद में कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस थे जिनको बंद कर दिया गया है देखो लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैव बीन ग्रांटेड एग्जिट तो उसमें हैदराबाद का था कोचिन का था बैंगलोर का था लुधियाना का था, था, था गुवाहाटी का था भुवनेश्वर का था जयपुर का था और थर्टीन नंबर पे क्या दिख रहा है पुणे स्टॉक एक्सचेंज पुणे के पास अपना स्टॉक एक्सचेंज भी था सो 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 ये भी मिथ है कि भारत में सिर्फ दो स्टॉक एक्सचेंज है

वेरियस रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया मोस्ट पॉपुलर ऑफ देम आर बी एस सी एंड एनएससी तो भारत में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और कम ज्यादा भी होते रहते हैं कभी बढ़ते हैं किसी नए स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन दे दिया मैंने बताया ना 1956 में

बट द मोस्ट पॉपुलर ऑफ आर दीज टू एन एस सी एंड बी एस सी इसलिए लेमन नॉर्मली न्यूज पेपर के माध्यम से हमको पता लगेगा कि दो ही होते हैं लेकिन और भी बहुत सारे होते हैं तो सबसे पॉपुलर हैं एनएससी और बी एस सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चल आप मुझे बताओ ऐसी ओला उबर इनका और भी कॉम्प्यूटर है मेरू रैपिडो ओला उबर मेरू रैपिडो और कोई सा पता है क्या टैक्सी फॉर श्योर sure. टैक्सी फॉर श्योर sure. जुगनू करके भी एक है जुगनू जुगनू सिर्फ टू व्हीलर का है शायद ऐसा कुछ नहीं है क्या ठीक है छोड़ो कोई बात जुगनू भी ले लिया हमने तो जुगनू टैक्सी फॉर श्योर ओला उबर रैपिडो ये पांच छह इधर आ जाओ इधर आ जाओ इस पे झगड़ो मत ये पांच छह कैब सर्विस प्रोवाइडर है जहां पे अगर आज आपको रिक्शा चाहिए तो इनसे सारे ऑप्शन हैं इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है इसमें से सबसे पॉपुलर कौन सा है ये हम किस बेस पे जज कर पाएंगे नंबर ऑफ हाँ किस बेस पे जज करोगे आप एकदम सिंपल आज मैं आपसे पूछता हूं इन सब में बेस्ट कौन सा है उबर बोल रहे हो आप कोई व्यक्ति ओला बोल रहा है किस ग्राउंड पे आप लोग ये कहते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम्पल पांच लाख लोग में से ढाई लाख लोगों के मोबाइल पे अगर उबर है और वो उबर पॉपुलरली यूज करते हैं तो उबर सबसे हो गया ना? और सिर्फ कुल मिला के पचास हजार लोगों के पास शायद से जुगनू या टैक्सी फॉर श्योर या फिर रेपिडो है तो इसका मतलब लेस हो गया? दो लोगों के पास ओला है तो मतलब वो भी वन ऑफ दर हो गया आर वी गेटिंग जितने ज्यादा यूजर उसके बेस पे हम जज करते हैं कि वो कितनी बड़ी कंपनी है सेम फ्लिपकार्ड भी काम करेगी फ्रे... सेम भी काम करेगा कि है ऐसे और भी बहुत सारे अब तो कितने ओपन हो रहे हैं ऊबर ईट्स था पहले देन देर आर वेरियस ओ एन जी सी करके ओ एन उन... ON... इनका भी एक आया था सो देर आर वेरियस एप्स और वेबसाइट जहां से आप फूड ऑर्डर कर सकते हो इवन मैजिक पिन लेकिन उसमें से आप जोमेटो को ही बेस्ट स्विगी को ही बेस्ट क्यों बोलते हो बिकॉज दैट पॉइंट उसका एक ही है? Because है तो है। तो का कारण है। आधा भारत खरीदता है है कि बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है या बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस का रिकॉग्निशन नहीं है। सारे स्टॉक एक्सचेंजेस रिकॉग्निशन है बट सिंस टू है मैक्सिमोस्टर अभी तो बहुत दूर है हमारे दिल में बैठने के लेकिन थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट क्लोज आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज का मतलब समझ में आया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम शेयर को खरीद और बेच सकते हैं ठीक है अब आती है सबसे बड़ी सबसे बड़ा संघर्ष का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तकरीबन एक घंटा टॉपिक चलता है कुछ सवाल है आपका यस मैम कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंस है कि स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है और कैपिटल मार्केट एक पूरा मार्केट है तो कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज को ऐसे समझ लीजिए कि जो पूरा मार्केट है जो पूरा फंक्शनिंग का तरीका है वो हम कैपिटल मार्केट बोलेंगे और उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उसमें से एक स्टॉक एक्सचेंज है कुछ ब्रोकर हैं अभी मैं डिपॉजिटरी बताऊंगा इस पूरे मार्केट को बोला जाएगा कैपिटल मार्केट आई होप यू गेटिंग अ फेयर ये तो पूरा मार्केट है इसके अंदर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं उसको हम एक करके समझेंगे इजी बिगर वर्ड हो जाएगा कैपिटल मार्केट अच्छा सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोसिस्टम Of in India. अगर आप बच्चे ये समझ गए इको सिस्टम ऑफ शेयर तो मेरा सब्जेक्ट पढ़ाना फिफ्टी परसेंट ईजी हो जाएगा सो so ये मैं आज भी पढ़ाऊंगा ये मैं पूरे बैच में कम से कम पांच बार पढ़ाऊंगा बार बार पढ़ाता रहूंगा मैं आपको अगर इको सिस्टम आपको समझ में आ गया तो मेरे को यह सब्जेक्ट पढ़ाना बहुत ईजी हो जाएगा तो समझने की कोशिश करना वापस थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बहुत लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर

फिर वो भी एयरपोड रखता है एक ऐसा इकोसिस्टम बना देता है जिससे कि हम और कोई प्रोडक्ट को यूज ही नहीं कर पाए आज मेरे पास अगर एप्पल का मोबाइल फोन है और ये ही एपल का आईपैड है सेंडिंग अ फोटो इज सो इजी कि मैं फिर एक यूज करूंगा तो मुझे बहुत परेशानी होगी व्हेन आई एम यूजिंग गूगल मेरा जी मेल पे है, मैं जी मेल पे काम कर रहा हूँ तो मेरे को यूट्यूब यूज करना भी ईजी जाएगा मुझे गूगल का ड्राइव यूज करना भी जाएगा लेकिन अगर वही मैं जी नहीं यूज करके याहू यूज कर रहा हूँ तो मुझे यूट्यूब में भी डिफिकल्टी आएगी लॉग इन करते हैं जी मेल का आई बनाना ही पड़ेगा वट इज एन इको सिस्टम इको सिस्टम का मतलब ऐसा होता है कि वो अपने ही सारे प्रोडक्ट्स को इतना अच्छे से प्लेस कर देते हैं कि वो सब सिंक में काम कर तो अब हमें समझना है इको सिस्टम ऑफ शेयर ट्रेडिंग इन इंडिया थोड़ा सा क्रिटिकल है बट अगर आप फोकस करोगे तो समझेगा इसके बीच में सेंटर पॉइंट आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज पूरी क्लास का हंड्रेड परसेंट फोकस यहाँ पर बिल्कुल यहीं पे ध्यान देंगे थोड़े समय के लिए है ना मैं खुद ही कह रहा हूं थोड़ा सा क्रिटिकल है हो सकता है एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो कम से कम अपना हंड्रेड परसेंट अटेंशन तो दो स्टॉक एक्सचेंज ये सबसे सेंटर में यहां पर आती है बहुत सारी कंपनीज लाइक रिलायंस लिमिटेड लाइक यस बैंक लाइक एस बी आई इक एशियन पेंट आई हेव टेकन दीज एग्जाम्पल्स ऑफ लिस्टेड कंपनी मतलब इन लोगों ने क्या किया है इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है स्टॉक एक्सचेंज पे और खुद को स्टॉक एक्सचेंज पे करा लिया है लिस्ट सो दीज ऑल कंपनीज विल बी टर्म्ड एज लिस्टेड कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज वेरी इजी नाउ इफ एनी पर्सन वन टू थ्री फोर छोड़ो अभी आपको एक ही लेके चलता हूं इफ एनी पर्सन हियर जिनका नाम है

ऐसा इसको पड़ता है कि नहीं नहीं आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीद नहीं सकते बोले क्यों बताता हूं क्यों सिंगो को बोला कि रुको अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स लेने हैं तो उसके पहले यू नीड टू हैव समथिंग विच वी से डीमैट अकाउंट

ब्रोकर आपको एक ब्रोकर के पास जाना होगा जैसे कि आपने नाम सुना होगा इंडिया में एंजल ब्रोकिंग और नाम बोलो जीरोधा ग्रो और बोलो शेर खान मोतीलाल ओसवाल एच डी एफ सी सिक्योरिटीज एस बी आई सिक्योरिटीज ये सब लोग कौन है ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर कहते हैं इनको हम मार्केट में स्टॉक ब्रोकर अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज से शेयर लेने हैं आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं जा सकते आपको पहले जाना होगा एक ब्रोकर के पास इस ब्रोकर को आप कुछ बेसिक चीजें दोगे जैसे कि अपना पैन अपने कुछ फोटोज और वो ओपन करके देगा आपका एक डीमैट अकाउंट सो फर्स्ट यू गो टू अ ब्रोकर, ब्रोकर आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन करके देता है यहां पर एक और इंटरमीडिएट डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी भारत में दो ही डिपॉजिटरीज़ हैं इन दोनों का भी नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा एनएसडीएल सी डी एस एल एन एस डी एल का फुल फॉर्म यार ऐसे ही ट्राई कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं मजे में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड कंपनी है ना तो एंड में लिमिटेड लगाना होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड चलो अब दूसरा बोलो सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड अब यहां पर एक गलती करते हैं हम जनरली सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड क्योंकि यहां पे भी सिक्योरिटी है ना बट इट इज नॉट सिक्योरिटी इट इज सर्विसेज लिमिटेड सो दोनों का फुल फॉर्म याद रखेंगे एकदम सिंपल एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड बहुत आसान कोई प्रॉब्लम नहीं है पर भारत में दो ही हैं डिपॉजिटरी तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं होता अब क्या होता है आप गए ब्रोकर के पास के हे hey, ब्रोकर हमें हमारा डीमेट अकाउंट ओपन करके दो ब्रोकर जाता है डिपॉजिटरी के पास कि हे डिपॉजिटरी hey, एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा दो ना डिपॉजिटरी ब्रोकर के थ्रू फिर आपका डीमेट अकाउंट ओपन करके आपको देता तो अगर आज आपको आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको जाना होता है एक डिपोजिटरी के पास वो आप जा सकते हैं थ्रू अ ब्रोकर इस ब्रोकर का एक और नाम हो जाता है फिर वहां पर डीपी डीपी बोले तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऐसा तो अभी हम ये मानते हैं ब्रोकर और डीपी एक ही व्यक्ति है मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि कभी कभी अलग भी हो सकते हैं तो अभी एक ही मान के चलो वो बेस्ट है हमारे लिए तो एक व्यक्ति है जो ब्रोकर भी है और जो डीपी का भी काम करता है तो मैं उसके पास जाता हूँ बोले नहीं तो पहले डीमेट अकाउंट ओपन करवाओ हमारी एप्लीकेशन जाती है डिपोजिटरी के पास एन या फिर सी इट एस मैटर फिर वो हमारा डीमेट अकाउंट ओपन करके दे देता है नाउ वेन वी हैव अकाउंट अब मैं वापस जाता हूँ ब्रोकर के पास कि ब्रोकर शेयर्स बाय कर ले उंट अकाउंट exactly like होता है दो हजार पंद्रह हजार कितने रुपए बैंक अकाउंट में वैसे ही डीमेट अकाउंट के अंदर दिखते हैं आपके पास कितने वेरी इजी वेरी इजी अब मेरे पास डीमेट अकाउंट आ चुका है अब मैं ब्रोकर के पास जाता हूँ ब्रोकर आई वॉन्ट टू बा हंड्रेड शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब ब्रोकर बोलता है ठीक है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रोकर जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास और बोलता है कि मेरा क्लाइंट ब्रोकर का क्लाइंट मेरा क्लाइंट हंड्रेड शेयर्स खरीदना चाहता है रिलायंस के अब ये स्टॉक एक्सचेंज पे आ गए स्टॉक एक्सचेंज तो सिर्फ ओ है ना स्टॉक एक्सचेंज तो सिर्फ एक मार्केट प्लेस है अब स्टॉक एक्सचेंज देखता है उस समय पे कि क्या मार्केट में कोई भी व्यक्ति है जो रिलायंस के शेयर बेचना चाहता है नॉर्मली भारत में एक ही चीज तो सबसे ज्यादा है बताओ क्या आबादी तो आबादी बहुत ज्यादा है हमारे पास तो हमें जनरली कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया मिस्टर आकाश अशोक कर देता हूं मिस्टर अशोक नाउ मिस्टर अशोक हैड आल्सो अप्रोच्ड हिज ब्रोकर ऑबियसली मिस्टर अशोक के पास ऑलरेडी क्या होगा डीमेट अकाउंट होगा जिसके अंदर उनके पास रिलायंस के शेयर्स होंगे एग्जाम्पल लेता हूँ हंड्रेड ही है उनके पास हंड्रेड शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फिफ्टी शेयर्स हैं येस बैंक के ऐसे इनके बहुत सारे शेयर्स हो सकते हैं मिस्टर अशोक भी अपने ब्रोकर को ऑर्डर देते हैं दैट आई वॉन्ट टू सेल हंड्रेड शेयर्स ऑफ रिलायंस ये ब्रोकर भी स्टॉक एक्सचेंज में आता है और बोलता है कि मेरा क्लाइंट हंड्रेड शेयर बेचना चाहता है स्टॉक एक्सचेंज यही तो चाहता है स्टॉक एक्सचेंज का एक ही काम है क्या वी? बस यही करता है यहां से इसको शेयर सेल करने थे तुझे सेल करने हाँ तुझे बाय करने डुइंग यहां से इस व्यक्ति के अश... अशोक के शेयर्स सिंगो को दिए जाएंगे एंड सिंगो जो पेमेंट करेगा वो अशोक को दिया जाएगा और दोनों साइड से स्टॉक एक्सचेंज क्या चार्ज करता है ब्रोकरेज 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 दोनों लोगों से लेगा अब ये सब में बटेगा थोड़ा अशोक के ब्रोकर को मिलेगा थोड़ा सिंगो के ब्रोकर को मिलेगा थोड़ा ब्रोकरेज स्टॉक एक्सचेंज अपने लिए रखेगा और इस प्रकार से पूरा ये बिजनेस चलता है इसके एंड में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ देखना कोशिश करना समझने की सिंगो का भी डिमेट अकाउंट आ चुका है ना सिंगो ने भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया पर वो खाली था क्योंकि उसने ऑर्डर प्लेस किया था टू बाय हंड्रेड शेयर्स ऑफ रिलायंस अशोक वांटेड टू सेल हंड्रेड शेयर्स ऑफ रिलायंस इन्होंने भी ऑर्डर प्लेस किया इन्होंने भी ऑर्डर प्लेस किया सही है स्टॉक एक्सचेंज में आके ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया अब एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है सुनना अच्छे से जो शेयर्स अशोक के डीमेट अकाउंट में थे कहीं ना कहीं वो शेयर्स सिंगो के डीमेट अकाउंट में आने चाहिए हंड्रेड शेयर्स ऑफ रिलायंस और वहीं सिंगो के पास जो पैसे हैं सिंगो के जो मनी है जो भी रिस्पेक्टिव मनी है वो मनी शुड बी ट्रांसफर टू अशोक यहाँ पे तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं ना आज बायर और सेलर किसी भी चीज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो जो बायर है वो पैसे देगा और सेलर गुड्स देगा तो एट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए कि सिंगो के बैंक अकाउंट से जो भी प्राइस जो भी भी रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शन प्राइस है इनका ऑर्डर अमाउंट डिसाइड हुआ है वो सिंगो के पैस, बैंक अकाउंट से जाना चाहिए अशोक के पास ब्रोकरेज वोकरेज कटेगा और अशोक के डीमेट अकाउंट से शेयर आने चाहिए सिंगो के अकाउंट में और तब हम बोलेंगे दैट ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड में फास्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से होता है कि ये इन क्लिक्स हो जाता है मैं आपको क्लास में ट्रेडिंग करके भी बताऊंगा शेयर्स को बाय करेंगे शेयर्स को सेल करेंगे हम क्लास में तो आप देखोगे कि हमें लगता है इतना बड़ा है क्योंकि कितने लोग इन्वॉल्व हैं देखो

टुडे आई ओपन माय डीमेट अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग एंजल ब्रोकिंग मुझे आईडी पासवर्ड दे देता है अब मेरे पास लॉग इन आई डी कर मैंने लॉग इन कर लिया उसके बाद मुझे बाय करना है ना तो बाय तो एंजल के थ्रू ही हो रहा है बस पहले ट्रेडिशनली क्या होता था आपने देखा होगा आपके कुछ रिश्तेदारों को वैसे फोन करते थे कि हाँ बीस शेयर ले ले हां पचास शेयर बेच दे तब ब्रोकर जो था वो पर्सनली बैठता था और आपके ऑर्डर लेता था और अब टेक्नोलॉजी की मदद से ब्रोकर पर्सनली नहीं बैठता है और उसने आपको एक एप्लीकेशन दे दिया है लॉग इन पासवर्ड दे दिया है अब आप वहां से लॉग करके खुद भी ट्रेड कर सकते हो और पहले बहुत झगड़े होते थे किस बात पर झगड़े होते थे मैंने मेरे ब्रोकर को बोला कि रिलायंस का शेयर प्राइस कितना दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं गया फटाफट से मैं गया मनी कंट्रोल और मैं जाके देखूंगा रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पे मुझे शेयर प्राइस दिख रहा है रिलायंस का फॉर एग्जाम्पल टू फाइव जीरो नाइन

आपके सामने इन अकेंड यू विल सी ट्रांसैक्शन हो गया और शेयर तो पूरा पूरा हम लोग देखते हैं जो हमें स्मूथली काम करता है कि आप विचार ही नहीं कर सकते इतना स्मूथली काम करता है एंड दिस इज द इकोसिस्टम ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया आज की तारीख में अब इसमें कुछ और पार्टीज भी आते हैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करता हूँ अब इसमें क्या प्रॉब्लम है लोग चोरी करते हैं देखो सिंपल हिसाब है मौका मिलेगा तो चोरी करेंगे लोग सिंपल हिसाब नॉर्मल रूल है चलो ठीक है चोर कौन होता है यार जल्दी से बताओ। चोर कौन होता है कमेंट सेक्शन मुझे हमेशा बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है वो ऐसा है ना कि उनकी गल अपनी दुनिया चल रही है ठीक है तेजस ऐसी बातें बोल गए क्या बोलू सुबह सुबह बोल रहा है हाय सर ब्यूटीफुल लग रहे हो माय शुभम सर ठीक है चैप्टर इज गोइंग बहुत बढ़िया प्रोफेशनल की क्लासेस अरे रुको गधो यहाँ पे ध्यान रखना हम लोगों ने अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हम लोग बेसिक्स पे हैं उसके बाद में हम चैप्टर वन सिलेबस पे जाएंगे चलो एकदम आराम से अब हाँ हम क्या बात करें हम चोर की बात कर रहे थे यस इधर आओ सबसे पहला सवाल चोर कौन होता है जो चोरी करता है गलत बिल्कुल गलत अगर ऐसा होता तो भाई साहब भारत कहां का कहां पहुंच जाता अगर चोर वो होता जो चोरी करता लेकिन अनफॉर्चुनेटली चोर वो नहीं होता है जो चोरी करता है आप धीरे धीरे जीवन में सीखोगे अनफॉर्चुनेटली चोर वो होता है जो पकड़ा जाता है जो चोरी करता है वो चोर नहीं होता ऐसे तो सुबह सुबह आप आए सारे सिग्नल तोड़ के ठीक है ना तो आपको पकड़ लेना चाहिए कम से कम दो हजार आपसे लेने चाहिए लेकिन नहीं

आपने किसी का घर कंस्ट्रक्ट होते हुए देखा होगा सीमेंट लेते हैं उसमें कुछ मिलाते हैं फिर हाथ में अजीब सा औजार लेते हैं ऐसे करते हैं और उसको ऐसे मारते हैं छप करके देखा है सरकार का यह काम है कि उसको जहां पे ऐसा छेद दिखता है अरे ये लूप होल है क्या गवर्नमेंट लाएगी अमेंडमेंट और सीमेंट से ऐसे वहां पर मारेगी और उसको कवर कर देगी बट 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 बट, बट। हम लोग भी सुधरेंगे नहीं हम वापस एक छोटा सा छेद देखने की कोशिश करते हैं कहीं लॉ में हल्का सा लूप होल मिलता है हम पूरा हाथ डाल के वापस उसको बड़ा कर देते हैं पूरी जनता उसको यूज करने की कोशिश करती है वापस सरकार उसको देखती है तो सरकार अपना सीमेंट लेकर आती है अमेंडमेंट लाके उसको कवर करती है ये चलता रहेगा हमेशा, हमेशा चलता रहेगा, कि जहां पे लूपोल मिलेगा इस्तेमाल करेंगे घूम ऑप्शन है।, है, है वहां से अपन धीरे से गाड़ी को थोड़ा सा रॉन्ग साइड में ले और ये रॉन्ग साइड में आखिरी का जो हंड्रेड मीटर है

पुलिस का ध्यान जाएगा वो लूपुल इतना बड़ा हो गया कि सरकार ने नोटिस कर लिया एक पुलिस वाला व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा और वो फिर उस दिन धड़ाधड़ धड़ाधड़ चालान काटेगा सिंपल एज इजी एज दैट दैट इज हाउ लॉ ऑपरेट अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर इतना बड़ा इको बनाया तो चोरी यहाँ पे भी होती है कभी ब्रोकर चोरी करता है और क्या है सब लोग मिला के बताए फुद्दू किसको बनाते हैं मतलब पागल किसको बनाते हैं बेवकूफ किसको बनाते हैं पब्लिक को ऑब्वियस सी बात है

राजू सत्यम के जो थे उन्होंने फ्रॉड करने की कोशिश की तो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं विजय मालिया साहब उन्होंने स्कैम करने की कोशिश की सो कमिंग बैक टू पॉइंट तो लोग फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे तो सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा ना ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो ये पब्लिक बचाव है तो सरकार ने क्या किया फोकस वेरी केयरफुली गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई ये एक व्यक्ति है उसके हाथ में क्या है स्टिक स्टिक का मतलब अथॉरिटी दी है उसको गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई और उसको बोला कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए इसमें कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए इसकी जिम्मेदारी है आपकी और इस अथॉरिटी को हम बोलते हैं सेबी सेबी एन अथॉरिटी क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नाम देखो सिक्योरिटीज एक्सचेंज जहां भी सिक्योरिटीज में एक्सचेंज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है पूरे भारत के लिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका इसका इतना सा काम है. इसका काम क्या है है क्या टू रेगुलेट कि जो पूरा मार्केट चल रहा है ये रेगुलेटेड रहे और कोई भी व्यक्ति कुछ गलत काम नहीं करे तो अगर मैं इसके काम पे आता हूँ सेबी का काम क्या है तो मेन इसका काम क्या है दो ही चीज है अच्छे देखना टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स

And thousands of crore की industry है जो बंद हो जाएगी तो इन्वेस्टर का भरोसा बना के रखना है आपने देखा होगा अच्छा है। है तो रहना चाहिए अगर जनता का शेयर मार्केट से भरोसा उड़ गया तो ये करो, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है जो बंद हो जाएगी। तो वहां पे सभी को बनाया उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर याद करो आप में से कुछ लोगों ने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा

प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर और दूसरा है टू प्रमोट और हम कह सकते हैं रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट ये जो सिक्योरिटीज मार्केट है इसको प्रमोट किया जाए और रेग्युलेट हो तो यह जो पूरा स्ट्रक्चर बताए ना ये पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कहीं भी इन्वेस्टर के साथ गलत नहीं होना चाहिए यह जिम्मेदारी है सेवी की टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर और साथ में रेगुलेटेड भी होना चाहिए ऑर्गेनाइज तरीके से चाहिए आज की तारीख में आपको इनमें से कुछ भी बनना है मतलब आपको डिपोजिटरी बनना है तो भी आपको सेबी के पास अप्रूवल लेना है कि हम बन जाएं क्या आपको डीपी बनना है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट तो भी आपको सेबी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको ब्रोकर बनना है तो भी आपको सेबी के पास रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको स्टॉक एक्सचेंज शुरू करना है जैसे भारत में बीएससी एस और बहुत सारे ना आपको अपना स्टॉक एक्सचेंज शुरू करना है तो भी आपको सेबी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको अपनी कंपनी को लिस्ट कराना है तो भी आपको सेबी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेबी इज दी अथॉरिटी सेबी इज दी अथॉरिटी ओवर सिक्योरिटीज मार्केट तो सिक्योरिटीज मार्केट का जो एकमेव अथॉरिटी है वो है सेबी सब कुछ सेबी के हाथ के नीचे होगा सब कुछ सेबी के अप्रूवल के साथ होगा तो ये एक और एंटिटी आ जा सही है यार तूफान है एकदम मैं आपको कह रहा हूँ ना ये मैं आपको कम से कम पांच बार पढ़ाऊंगा ये पूरा ताकि ये आपके खून में उतर जाए कि कैसे ट्रेडिंग होती है कौन किसके पास जाएगा ब्रोकर के पास जाएगा आई थिंक अभी ये पूरे स्ट्रक्चर का पूरा तो नहीं कम से कम टेन ट्वेंटी परसेंट दिमाग में बैठ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर की सबसे पहले इन्वेस्टर के पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए समझ रहा है सर डीमेट अकाउंट होने के बाद में भी वो ट्रेडिंग के लिए डायरेक्टली नहीं जा सकता उसको जाना पड़ेगा अपने ब्रोकर के पास फिर उसका ब्रोकर उसका ऑर्डर प्लेस करता है स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज में उसी टाइम पे कोई काउंटर पार्टी है काउंटर पार्टी समझते हैं आपको बाय करना है तो सेलर हो गई काउंटर पार्टी आपको सेल करना है तो बायर हो गई काउंटर पार्टी अगर कोई काउंटर पार्टी आई है किसी ब्रोकर के थ्रू तो आपका और उसका ऑर्डर हो जाता है मैच और इससे लोग हो जाते हैं खुश भारत में आबादी इतनी है कि हर समय पे ऑर्डर मैच ही हो जाते हैं तो भारत में टेंशन आता नहीं है जनरली कि ऑर्डर मैच नहीं हो रहे ऑर्डर मैच हो ही जाता है कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति तो सेलिंग के मूड में रहता ही है और मैंने एग्जाम्पल में लिया हंड्रेड एग्जैक्टली हंड्रेड ऐसा भी नहीं होता है आपको सौ शेयर लेने हैं कोई दस शेयर बेचने आया तो उसके दस में से सौ आपको दे देते हैं बच्चे भी किसी और को देते जाएंगे तो उनका सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रॉग है वो एक ऑर्डर मैचिंग मैकेजम को रखता है जिससे बहुत प्यारे तरीके से ट्रेडिंग हो जाती है अच्छा आपको एक स्कैम के बारे में बताऊंगा लेकिन उसके पहले इस पूरे स्ट्रक्चर में को देखो आराम से 10-20 सेकंड तक कोई भी डाउट दिमाग में आ रहा है तो भी पूछ। जूम यहां पे कर देता हूं depository का काम account open करना है क्या नहीं और भी बहुत सारा काम आ गया अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें उनका काम है डीमेट अकाउंट ओपन करना चलो एक एक क्वेश्चन लेते हैं इनका सबसे पहला सवाल है कि depository का काम सिर्फ डिपोजिटरी अकाउंट ओपन करना है क्या अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें सिर्फ उतना ही एक्चुअली तो डिपॉजिटरी बहुत कुछ करती है आम, मैं आप में से किसी के पास अपना पैन कार्ड है क्या अभी पैन कार्ड लेके घूम रहे क्या फटाफट से निकालो फटाफट से निकालो चीफ से फटाफट फटाफट फोटो है क्या नहीं बट फोटो में आपका उसका बैक साइड का फोटो नहीं होगा ना है क्या फटाफट से देखो जो लोग देख सकते हैं जितना जल्दी मिल गया क्या एक पैन कार्ड यहाँ पे दो दो, दो मेरे को दो चलो पैन कार्ड मिला आपको जितने लोगों को मिला जैसे कि ये पैन कार्ड मेरे हाथ में ना इसके पीछे भी दिख रहा है इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट एन एस डी एल देखो अपने पैन कार्ड के पीछे आपको शायद से एनएसडीएल लिखा हुआ दिख जाएगा जरूरी नहीं हर एक को दिखे दिख रहा है मैम कहीं पे दिखा इज 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 दिस 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 चलो चलो आराम से कोई बात नहीं घर जाके अपना अपना देख लेना जिसका नहीं दिखे मतलब ये नहीं कि वो खराब है इधर आओ इसका मतलब द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज डिपॉजिटरी के बहुत सारे काम है पैन कार्ड भी इशू कर रहा है डिपॉजिटरी एन एस डी एल लेकिन हम पढ़ रहे हैं उसका काम हमारे सिलेबस में क्या हमारे लिए क्या है हमारे लिए उसका जो काम है वो ये है कि वो डिमेट अकाउंट ओपन करके देगा बाकी actually तो NSDL, CDSL बहुत सारा काम करता है स्क्रीन पर भी बने रहो एकदम मस्ती से हमको ले जा एन की वेबसाइट पर आपके सिलेबस में एक एक्ट आएगा पूरा डिपॉजिटरीज एक्ट तब डिटेल में पढ़ेंगे ये देखो ये एस की वेबसाइट है ऊपर ही ऊपर इन्वेस्टर्स अकाउंट मतलब कितने लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट एनएसएल से खोल रखा है देखो आगे बहुत ज्यादा लोगों ने वो छोड़ो थ्री करोड़ ट्वेंटी सेवन लैख सिक्सटी थ्री थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड नाइनटी वन इतने लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट खोल रखा है एनएससीएल के पास ऐसे ही आप सीडीएसएल पे जाओगे तो वहां पे भी मिल जाएगा ऐसा उसके नीचे डीपी सर्विस सेंटर इसका मतलब मैंने बताया ना ब्रोकर वैसे डीपी ब्रोकर के ब्रैकेट में डीपी लिखा था तो भारत में इनके एनएसडीएल के कितने डीपी है मतलब कितनी जगह पे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो फिफ्टी नाइन थाउजेंड सिक्स उसका लिस्ट भी मिल जाएगा अपने नियर बाय पांच किलोमीटर में भी आपको एक मिल जाएगा अब भारत इतना बड़ा है ना ज्योग्रफिकली तो इनके तकरीबन सिक्सटी थाउजेंड डीपी सेंटर्स से हैं जहां जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और लास्ट पॉइंट डीमेट कस्टडी वैल्यू ये तो बहुत ही ज्यादा है कि इनके जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका डीमेट अकाउंट है उनके टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी है समझ रहे हैं क्या ये जो करोड़ करोड़ लोग ना इन सवा तीन करोड़ लोगों के अकाउंट की टोटल वैल्यू कितनी है बहुत ज्यादा करोड़ हम आते हैं हमारी दुनिया पे वापस चल अब जस्ट के बहुत सारे काम करते हैं जैसे कि यहां पे सैम ड्यूटी की बात होती है पे कमर्शियल पेपर खरीद सकते हो म्यूचुअल फंड का काम होता है और लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं ऐसा बहुत सारा काम होता है एन तो करने में बहुत कुछ करता है सिंपल हमने बस हमारे काम की चीज देख रहे हैं अभी हम बिकॉज अगर हम हरेक का सब कुछ देखने लगे तो हमारे सिलेबस से डिविएट तो हो जाएंगे तो हमारा सिलेबस होना चाहिए सिक्योरिटीज लॉ तो हम हरेक व्यक्ति के अंदर हमारे काम की जो चीज़ है वो चीज़ें देखते रहेंगे चल और कोई सवाल एकदम अस्सी से पूछो कोई लोड नहीं है जी इनका सवाल है उसको रिपीट करता हूं कि सर एक बार डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तब डिपॉजिटरी इंक्लूड हो रहा है, उसके बाद हर बार ट्रेडिंग जब हम करेंगे तब डिपॉजिटरी का कोई रोल है क्या नहीं तो सर ब्रोकरेज डिपॉजिटरी को कोई ब्रोकरेज मिलता नहीं डिपॉजिटरी को कोई भी ब्रोकरेज नहीं मिलता है आपने डिमेट अकाउंट ओपन किया तब भी आपने कोई शेयर्स में बाइंग सेलिंग तो की नहीं है ना तो फर्स्ट टाइम पे भी ब्रोकरेज उनको नहीं ही मिल रहा है ब्रोकरेज मिलता है जब आप शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं तो ब्रोकरेज हमेशा ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को को मिलता है को यहाँ पे डायरेक्टली कोई ब्रोकरेज मिल नहीं रहा बिल्कुल ठीक है उसका ब्रोकरेज का रोल ही नहीं और ब्रोकरेज का मतलब ही क्या हुआ जब शेयर में बाइंग सेलिंग होगी तब ब्रोकरेज आएगा सर फिर डिपॉजिटरी का क्या फायदा है तो डिपोजिटरी का फायदा ऐसा है कि इन्होंने इकोसिस्टम ऐसा बनाया है इनकम का सोर्स एक ही है ब्रोकरेज और वो ब्रोकरेज सब में बांट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक हिस्सा डिपॉजिटरी को दिया जाता है इट इज समथिंग लाइक आई टेल यू आप लोग सिम खरीदने जाते हो तो सिम कैसे आपको कहीं भी फ्री में मिल जाती है फेयर यार सिम तो बेचने वाला आजकल तो भाई पेड़ के नीचे बेच के लोग सिम बेच देते हैं पहले तो फिर भी एक शॉप हुआ करती थी आप अपनी याद करोगे ना टीयर टू सिटी टीयर थ्री सिटी अब मेट्रो में इतना नहीं है बाकी वहां पर एक दुकान होती है वहां पर भैया पॉपुलर है वही सिम बेचते हैं सब कुछ आप वहां जाते हैं फ्री में सिम दे देते हैं सर उनका क्या फायदा है? फायदा उनका नहीं है फायदा होगा टेलीकॉम तो दे तो नहीं देना, है, लेकिन हमको हर महीने तो पैसा देना पड़ेगा तो वहीं से इस व्यक्ति को पहले ही कुछ मिल जाएगा सिमिलरली सोच लो डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी से डीमेट अकाउंट ओपन करना है ऑलमोस्ट फ्री है ऑलमोस्ट फ्री है डीमेट अकाउंट ओपनिंग क्योंकि इनकम उनकी कब बनेगी जब आदमी आप ट्रेड करो

और इसके बाद में जब भी वो व्यक्ति शेयर खरीदेगा बेचेगा उसके ब्रोकरेज का एक छोटा सा हिस्सा मुझे हमेशा मिलता रहे आप देखते हैं ऑनलाइन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं कि अकाउंट 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 ओपन 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 करा करा लो करा लो दे हैव देयर शेयर इन एवरी यू तो आप आज अगर डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे तो उसके अंदर हर एक उस व्यक्ति का शेयर है सेट प्रैक्टिस है ये लेकिन आपसे तो कुछ पैसे नहीं ले रहे हैं उस टाइम पे क्योंकि आप लोगों से या इन्वेस्टर से पैसे कब लिए जाएंगे ब्रोकरेज के माध्यम से और उनका आउटलुक भी बिल्कुल सही है

हाँ, इनका सवाल है कि जो ब्रोकर्स होते हैं उनका सबका ब्रोकरेज सेम होता है या अलग होता है अलग अलग होता है और साथ ही साथ सेम कंपनी का अलग अलग लोगों के लिए भी अलग अलग ब्रोकरेज होता है तो ब्रोकरेज एक ऐसी चीज है 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 जो नेगोशिएटेड होती तो हर एक एक कंपनी कंपनी का का भी ब्रोकरेज अलग है, और एक का अपने सारे क्लाइंट्स के लिए भी ब्रोकरेज अलग अलग है या आप लड़ो झगड़ो ब्रोकरेज कम हो जाता है नॉर्मल मैक्सिमम स्टैंडर्ड ब्रोकरेज के अगर आज आप नए नए हो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो मैक्सिमम ब्रोकरेज लगता है पचास पैसे का पचास पैसे को आप कह सकते हो पॉइंट अगर आपने सौ रुपए का शेयर लिया तो उस पर पचास पैसे आपको देने पड़ेंगे ये मैक्सिमम ब्रोकरेज है तो अगर आज आप आपको तो कोई क्यों नेगोशिएट करके कम कराएगा समझ रहे हो आप तो अगर आप आज कहीं पे भी बड़ी जगह पे डीमेट अकाउंट ओपन करते हो लाइक लाइक मोतीलाल ओसवाल लाइक एच डी सिक्योरिटीज तो जो मैक्सिमम ब्रोकरेज वो चार्ज करेंगे वो होगा पचास पैसे का पॉइंट उससे ज्यादा नहीं होगा तो इफेक्टिवली बाइंग सेलिंग पे वन परसेंट हो जाता है आज मैंने सौ रुपए का शेयर खरीदा एच का मुझे पचास पैसे का ब्रोकरेज देना पड़ा कल मैं उस सौ रुपये का शेयर को जब बेचूंगा तब भी पचास पैसे का ब्रोकरेज तो एक रुपये का ब्रोकरेज हो गया ना तो इफेक्टिवली वन परसेंट हो जाता है बहुत बहुत हम बहुत ज्यादा आगे चले गए एकदम से वापस आते हैं धीरे 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 पीछे कोई भी और सवाल आता है मस्ती से पूछ मैंने कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं आप लोग जज नहीं करेंगे कि वो सवाल बड़ा है या छोटा है मैं जज करेगा अगर मुझे लगता है वो सवाल अभी सेंसिबल नहीं है तो मैं कह दूंगा कि इसको दस दिन बाद देखेंगे आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप यहाँ पे फेंक सकता है एकदम मस्ती से यस यार स्टॉक एक्सचेंज कोई भी खोल सकता है क्या जी हाँ लॉ में उसका प्रोसेस दे रखा है स्टॉक एक्सचेंज कोई भी खोल सकता है लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेबी के पास तो अगर सेबी ने आपको अप्रूवल दिया तो आप खोल सकते हैं उसका प्रोसेस भी सिलेबस में है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके जाना होता है स्टॉक एक्सचेंज को लगता है नेटवर्थ रिक्वायरमेंट वगैरह सब कुछ है कि आपकी इतनी इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए आप गए सेबी को लगता है कि आप एलिजिबल हो और आपको ओपन करने की परमिशन देनी चाहिए तो सेबी दे सकता है सेम ब्रोकर भी बन सकते हो आप डिपॉजिटरी भी बन सकते हो आप डीपी भी बन सकते हो म्यूचुअल फंड भी चालू कर सकते हो सब कुछ करने का प्रोसेस है क्या आप अगर सेबी के पास जाना है सेबी को लगता है कि आप क्वालिफाइड है आप एलिजिबल है आपको अप्रूवल देना चाहिए तो सेबी अप्रूवल दे देता है

ब्रोकर कौन सा चूज कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे ब्रोकरेज का रेट डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बट आपका पीछे से डीमेट अकाउंट एनएसडीएल या सी डी एस एल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट इज ऑल टूगेदर अ डिफरेंट थिंग वो चेक करना पड़ेगा कि पैन कार्ड कौन इशू कर सकता है पैन कार्ड इशू करना इज अ सेपरेट फंक्शन उसका सिक्योरिटीज मार्केट से कोई रिलेशन ही नहीं है ऐसा डीमेट अकाउंट आप कहीं भी ओपन कर सकते जैसे कि मैं एक व्यक्ति ऑनलाइन भी बोल रहा है तो मैं सी डी एस एल की वेबसाइट भी ओपन कर देता हूँ जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस जाओ आ जाओ सी डी एस एल यस इनकी नई नई वेबसाइट बनी है ओफो आपको मैं सिर्फ जूम नहीं कर रहा हूं उसका इन्वेस्टर अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे भी जूम नहीं कर पा रहा हूं मैं ऐसे थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा बहुत से ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे भी यस yes. तो ऐसा कुछ भी नहीं है इट डिपेंड्स कि कैसी सर्विसेज कौन दे रहे हैं हमारे लिए और आप प्रैक्टिकली आप भी देखोगे यहाँ पे क्लास में किसी का डीमेट अकाउंट है क्या है वंडरफुल तो जब आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया होगा आपने पूछा भी नहीं होगा एनएसडीएल सीरीज से बट आपने अपना ब्रोकर केयरफुल चूज किया होगा कि आपको ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल चाहिए या एंजल ब्रोकिंग एस डी एफ सी चाहिए वो आपने देखा वो आपको पता है कि आपका अकाउंट किसके थ्रू गया है पर एनएसडीएल सीडीएसएल में आपको इतना फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उस पर आपके चार्जेस वगैरह का कोई फर्क पड़ता नहीं है. है आपके लिए ऐसा फैर आइडिया एकदम से ठीक yes, है इनका सवाल है इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में जॉबर्स कौन होते हैं

जिसको रिलायंस के शेयर लेने तो वो बोलेगा अरे हाँ हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या होने भारत में क्या चीज ज्यादा है आबादी अगर पूरी आबादी उस रिंग में आ गई तो तो इम्पोसिबल हो जाएगा ना ट्रेडिंग करना तो उन्होंने क्या कहा सुनो सुनो इन्वेस्टर डायरेक्टली अंदर नहीं आएगा इन्वेस्टर के बिहाफ पे वहां पे जॉबर रहेगा जो कि आपके ऑर्डर्स को लेगा तो अंदर जो लोग रह सकते हैं वो इन्वेस्टर खुद नहीं आएगा इन्वेस्टर बता देगा कि सुना मुझे टू हंड्रेड शेयर देने तो आपके बिहाफ में पे पे एक जॉबर रहेगा जो वही काम करता है वो बोलेगा टू हंड शेयर लाइन टू हंड्रेड लाइन और कोई और जॉबर रहेगा जो शेयर रहे, हाँ, है तब, तब आज के मुकाबले वन परसेंट ट्रेडिंग होती थी तो आप उसको मैनुअली कर सकते थे मैनुअली कर सकते थे जो की आपने शायद हर्षद मेहता स्कैम में देखा भी है जिस प्रकार की ट्रेडिंग होती थी ये एक्चुअल हिस्ट्री है ये एक्चुअली होती थी बट अब क्या हो गया अब ट्रेडिंग इतनी बड़े पैमाने पे होती है इतनी ज्यादा ट्रेडिंग होती है कि अब ये मैनुअली पॉसिबल ही नहीं है तो ये सब सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं मैं जब आपको क्लास में लाइव ट्रेडिंग बताऊंगा आप देखोगे मैं क्लास में पोस्ट करूंगा दैट आई टू सेल शेयर्स जैसे ही मैंने डाला कि मैं हंड्रेड शेयर्स बेचना चाहता हूँ ऐसा समझो कि एक बहुत बड़े सिस्टम में, में मेरा ऑर्डर जा चुका है पूरे भारत में इन्वेस्टर्स हैं किसी ने भी डाला है कि उसको शेयर्स बाय करने सेम शेयर मैंने डाला येस yes बैंक के शेयर बेचने उसको ये yes बैंक के बाय करना है इमीडिएटली हमारा ऑर्डर मैच हो जाएगा और ट्रांजैक्शन एक्जीक्यूट हो जाएगा

Yes, please. जी अ वेरी नाइस क्वेश्चन नहीं करेंगे मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ इनका क्वेश्चन ये है कि सर कुछ स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गए जैसे पुणे स्टॉक एक्सचेंज था वो बंद हो गया वहां पे भी कुछ कंपनीज तो लिस्टेड होगी ना तो मान लेते हैं अगर एक कंपनी है मैं कंपनी एक्स लिमिटेड मैं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था पुणे स्टॉक एक्सचेंज में यहां पे लिस्टेड था तो पब्लिक ने मेरी कंपनी के शेयर्स ले रखे थे ये सोच के कि लिस्टेड कंपनी है कभी भी शेयर को बेच देंगे गवर्नमेंट ने पुणे स्टॉक एक्सचेंज को बंद कर दिया अब उन सब कंपनीज का क्या होगा जो कंपनीज वहां पे लिस्टेड थी क्वेश्चन समझ में आया कि इफ टुडे देयर आर 10000 कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE एंड गवर्नमेंट डिसाइड्स टू क्लोज डाउन NSE तो व्हाट विल हैपन टू दोस पूरा प्रोसेस है एक

याद रखने का यहां पे भी एक है सेबी का जो सेबी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है पीपीआर प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर प्रमोट एंड रेगुलेट द शेयर मार्केट सिक्योरिटीज मार्केट तो पीपीआर तो अब आपको जैसे भी याद रखना कर लो पीपीआर ठीक है ये आएगा सेबी एक्ट वगैरह सिलेबस में ये सब है बट सिलेबस में ये सब अपने समय पे आएगा

क्योंकि हर चैप्टर में सारे चैप्टर के वर्ड्स तो आएंगे तो सबसे पहले आपको इन सबसे रूबरू होना पड़ेगा ताकि हम कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे और मैं एकदम से बोलूंगा स्टॉक एक्सचेंज पता है सर ब्रोकर पता है सर सर डिपॉजिटरी है तो उससे कोई भी चैप्टर को समझना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा एकदम इजी कोई जल्दबाजी नहीं कोई भी और सवाल अभी भी दिमाग में आ रहा है तो मस्ती से पूछा चलिए कोई भी सवाल नहीं है अच्छा कोई लोड नहीं है जीडीपीडी आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आता है दो चीज है पहला तो सर हमसे आपका बात करेंगे तो जब जब कोई भी इंस्ट्रक्शन मुझे देना होगा ना जो जीडीपी को ऐसे मुझे गुरु गुर के मध्य ठीक है ना बीच में कभी कभी मैं कैमरे से बात करूंगा मैं करूंगा ठीक है ना उसके दो कारण है आप लोग वर्चुअली पढ़े हो पहले कभी कुछ लोग पढ़े ना वर्चुअली जो वर्चुअली पढ़ता है वो सबसे परेशान रहता है पता क्योंकि यहाँ जो पढ़ रहे हो ना आपको कोई टेंशन नहीं है लाइट चली गई तो आपको समझ में आया ना लाइट चली गई माइक बंद हुआ आपको समझ में आया माइक बंद हुआ वो घर पे बैठा था एकदम से बंद हो गया उसको लगता है है कि वो आदमी पे जा रहा है, और बस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो उनको भाई वो एक अलग ही टेंशन में आदमी तो जीडीपीडी को एकदम प्रेम से संभाल के रखना पड़ता है ताकि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो ठीक है ना क्योंकि वर्चुअल वाले बच्चे का है कि यार वो अकेले घर पे बैठे तो उनके लिए वैसे ही अलग स्ट्रगल चल रहा है तो एकदम मजे से रहो जहां जहां जरूरत रहेगी मैं इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा अभी के लिए एक इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए कि जब आप लेक्चर देखेंगे सीक्वेंस चेंज नहीं करना

I will ensure कि जो भी मिथ डाउट में लूंगा फिर भी वेबसाइट पे एक फोरम बना रखा है मैंने। तो अगर आप जाएंगे, उस पे आपको डाउट्स फोरम मिलेगा वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप पोस्ट कर सकते हैं मैं वहां पे रिप्लाई करता हूँ आपको आज तक के बच्चों के हजारों पूछे हुए डाउट और उसका आंसर भी दिखता है तो वो एक अच्छा फोरम है बट सुनो 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 ये नहीं कि अभी आया अभी फेंक दिया

थोड़े दिन बाद आपको गंदा लगने वाला होमवर्क दूंगा यू हैव टू डाउनलोड मनी नहीं ऑब्वियसली मनी कंट्रोल मेरे इंस्ट्रक्शन आधे फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम होगी कल देखा था आपने फॉलो इन लव वाला ठीक है ना डाउनलोड मनी कंट्रोल पहला दूसरी चीज क्या करनी है आपको पिक थ्री पिक नहीं आई शुड यूज द वर्ड फॉलो शेयर्स, तीन शेयर्स को फॉलो करना तीन शेयर्स में से दो शेयर मैं आपको दूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तीसरा शेयर जो आपके मन में है आप उसको एक पिक करोगे अब सुनो करना क्या है मनी कंट्रोल जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके ऐसा एक मनी कंट्रोल ऐसा एक सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड में भी चलता है आईओ में भी चलता है तो आपको कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है दिस इज नॉट अ ब्रोकर

जिसको एस बी आई करना है वो एस बी आई करो जिसको एशियन पेंट्स करना है एशियन पेंट्स करो जिसको पेज इंडस्ट्रीज करना है पेज इंडस्ट्रीज पेज इंडस्ट्री इज जॉकी जॉकी का नाम है पेज इंडस्ट्रीज देन अपना डी मार्ट है एवेन्यू सुपर मार्ट तो आपको हंड्रेड्स ऑफ कंपनी मिल जाएगी कोई भी एक कंपनी अपने मन की सिलेक्ट करो अब इसको फॉलो करने का मतलब क्या है डेली जब आपका सिक्योरिटी का लेक्चर शुरू होगा उसके पहले आपका जब ब्रेक होता है ठीक है उस ब्रेक में या दिन भर में कभी भी आइडियली उस ब्रेक में एक बार इस ऐप को ओपन करना होगा और ये तीनों शेयर के प्राइस देखना अगर आप इसको तीन महीने तक कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि शेयर प्राइस का मूवमेंट कब होता है कैसे होता है क्यों होता है तो अगर आज आप देखते हो पच्चीस सौ नौ है कल आप देखते हो पच्चीस सौ पंद्रह तो रीजनेबल है एकदम से आप देखते हो कि रोज पांच दस रुपए बढ़ता है और आज एकदम से ये शेयर फिफ्टी रुपीज बढ़ गया है मतलब कोई ना कोई उसके पीछे कारण होना चाहिए वो समझने में बहुत समय लगेगा लेकिन अगर आप अभी से फॉलो करना चालू करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि शेयर के प्राइस का मूवमेंट क्यों होता है वेरी डुएबल होमवर्क कोई परेशानी नहीं, नहीं है इस होमवर्क की सुंदर बात यह है एक आधे दिन स्किप भी कर दिया तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी क्यों होता है एंड दैट्स अ वेरी बिगर थिंग लोग सेपरेटली सेपरेटलीर्सेस करते हैं आपने देखा भी होगा शेयर मार्केट के कोर्स तो ऐसा नहीं होगा कि मैं इस बैच में आपको पूरा कोर्स ही पढ़ा दूंगा इट्स इम्पॉसिबल बट जितना जितना हमारे सिलेबस के लिए जरूरी है जितना प्रोफेशनल में पढ़ने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें हम क्लास में कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपको एक बहुत अच्छा मतलब वो जो शेयर मार्केट के कोर्स का थर्टी फोर्टी परसेंट तो यहाँ पे हो ही जाएगा डेरिवेटिव शेयर्स की बाइंग सेलिंग कैसे होती है फ्यूचर्स ऑप्शंस कैसे करते ये सब क्लास में होगा तो आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा कि शेयर मार्केट भी कैसे फंक्शन करता है। इजी चलो। फॉर दिस सेशन। थैंक यू कर रहा और आज ये मूव क्यों नहीं हो रहा पता है ना तो क्योंकि खराब है वो काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंज वाले काम नहीं करते है। है? तो यहाँ पे आपको एजॉन क्या दिख रहा है फोर्थ ऑफ ऑगस्ट मतलब कल शाम का रेट है सैटरडे संडे मार्केट बिल्कुल क्लोज रहता है अब मार्केट सीधा खुलेगा मंडे नौ बजे सवा नौ बजे ठीक है चलो यस ऑनलाइन वाले आ हूं थैंक यू सो मच एकदम मजे में रहो अच्छे से पढ़ते रहो एक दो दिन में मैं प्रोबेबली इस वीकेंड भी, आज और कल में से एक टाइम में लाइव आ जाऊंगा इंस्टाग्राम पे सो so आपके कुछ भी इधर के सवाल है ना प्रोफेशनल को लेकर कुछ भी तो वो सब मैं बात करूंगा ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ठाकुर थैंक यू सो मच थैंक यू